लॉकडाउन क्या है? किसी भी विशेष एरिया को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर देना कि अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा और बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। ऐसा फैसला किसी भी समय किसी भी सर्कमस्टांसिस पे लेना पड़ जाता है। जैसे एक स्कूल के बाहर किडनैपिंग की कॉल आई तो स्कूल की प्रेमिसेस को किसी भी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है कि कोई भी बच्चा बिना इजाज़त के बाहर ना आए, खतरा है। किसी बिल्डिंग के बाहर किसी बम का अंदेशा है तो उस बिल्डिंग को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, लॉकडाउन किया जा सकता है कि उस बिल्डिंग में से कोई भी व्यक्ति बिना इजाज़त के बाहर नहीं आएगा। इसे कहते हैं लॉकडाउन। लेकिन हमारे यहाँ पर यदि आप बीमार हैं या स्वास्थ्य आपका ख़राब है तो आप दवाई लेंगे, उस दवाई के साथ साथ आप परहेज भी करेंगे और बिना परहेज के दवाई आप पर असर नहीं करेगी। वो जो परहेज है, अगर आपको अंदेशा होता है कि आप बीमार होने वाले हैं तो आप उससे पहले ही परहेज करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि जिन कारणों से बीमारी हो सकती है उन कारणों से ही दूर हो जाना, परहेज करना या उस बीमारी को दूर कर देना या उस बीमारी से दूर हो जाना। आपको मालूम हो कि आपके बराबर वाली गली में या मोहल्ले में गोलियां चल रही हैं या फिर पथराव हो रहा है तो क्या आप उस गली में जाना पसंद करेंगे? नहीं ना, अपने घर में ही सुरक्षित रहना पसंद करेंगे। इसे ही कहा जाता है लॉकडाउन। ये आपकी मर्जी है कि आप उस पथराव वाली गली में जाना चाहते हैं या बीमारी के नज़दीक जाना चाहते हैं या फिर उससे परहेज करना चाहते हैं। जब आप परहेज करके उस बीमारी से बच सकते हैं तो दवाई की ज़रूरत ही क्यों? और मेरे ख्याल से लॉकडाउन की आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी कि जो लोग इस कोरोना वायरस को विदेश से लेकर के आए, चाहे वो भारतीय थे या विदेशी थे, उन लोगों ने पूरी तरह से ना तो अपना टेस्ट करवाया और ना ही अपनी जानकारी दी, जिस वजह से ये सारा सिस्टम अपसेट हो गया और शायद उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये बीमारी उनके शरीर में घर कर चुकी है। वो लोग जहाँ जहाँ गए उस जगह को या उन लोगों को उन्होंने संक्रमित कर दिया। लॉकडाउन करने से ये कोरोना वायरस का संक्रमण जहाँ जहाँ था उसे वहीं रोक दिया गया और ब्लॉक कर दिया गया, और सिम्टम्स देखने से, मालूम करने से उन तमाम लोगों का टेस्ट और वो जिनके संपर्क में आए थे उनका टेस्ट करना आसान हो गया, उन्हें क्वारंटाइन करना आसान हो गया। एक सरल और आसान तरीका था। तमाम पूरे भारतीयों का, देशवासियों का टेस्ट करवाना इतना आसान नहीं था। ये सबसे आसान तरीका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तरीका कामयाब होगा और हम लोग सफल होंगे और तुरंत ही कोरोना वायरस पे विजय प्राप्त करेंगे। शुक्रिया।